सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। तो यार, मेरी स्क्रीन पर आपको दो डिवाइस दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने दो डिवाइस के अंदर स्कोर मैच ओपन करके रखा है भाई। तो मेरा जो लेफ्ट साइड का जो मेरा स्क्रीन है ना, जो वन दिखा रहा है, वो मेरा डिवाइस वन है, ठीक है। वो मेरा वो वाला डिवाइस है जिस पे मैंने स्कोर मैच का आईडी खोला था, जिस पे मैंने स्कोर मैच खेलना शुरू किया था, और इसी डिवाइस वन वाले आईडी पे मेरा स्कोर मैच का ओरिजिनल अकाउंट भी है, ठीक है। और जो मेरा दूसरा डिवाइस है, वो दूसरा डिवाइस मेरा यार वो डिवाइस है जिस पे मैंने अपना स्कोर मैच का अकाउंट को ट्रांसफ़र करके रखा हुआ है, लिंक करके रखा हुआ है फॉर सिक्योरिटी रीजन के लिए, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपने लिंक तो कर लिया अपना आईडी दूसरा डिवाइस के साथ, अब हम दूसरे डिवाइस से जिसमें हमने अपना अकाउंट को लिंक करके रखा हुआ है, उस डिवाइस से हम अपना अकाउंट को रिमूव कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब यार, काफ़ी लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा और मुझे खुद भी ये सवाल सताता था कि बाय चांस अगर इन फ्यूचर हमें रिमूव करने की ज़रूरत पड़े तो वो हम कैसे करेंगे। तो बस यार, आज की वीडियो में उसी ट्रिक को लेकर आया हूँ कि आप रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए यार, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्कोर मैच से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेकर आते रहता हूँ, जो आपको पूरे यूट्यूब में शायद ही कहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार। तो सबसे पहले आपको जाना है उस वाले डिवाइस पे जिस डिवाइस पे आपने स्कोर मैच का आईडी खोला था, ठीक है। मतलब जिस डिवाइस में आपका परमानेंट अकाउंट है, मेरा डिवाइस वन में है, तो मैं डिवाइस वन में जाता हूँ। डिवाइस वन में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको आई का लोगो दिख रहा होगा, इस आई वाले लोगो पे क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस खुल के आएगा, मैनेज डिवाइस, लिंक डिवाइस, ग्राफिक्स का वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपको मैनेज डिवाइस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप मैनेज डिवाइस पर क्लिक करोगे यार, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ओके, तो ये खुल चुका है मैनेज डिवाइस, और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिखाएगा कि आपका आईडी कितने डिवाइस में लॉगिन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है Redmi Note 7 Pro, ठीक है। Redmi Note 7 Pro जो कि मेरा करंट डिवाइस है, और साथ ही साथ दो और डिवाइस है जो कि है, एक रहे Realme यहाँ पे दिख रहा होगा और एक है Vivo। इन दोनों मोबाइल डिवाइस के साथ मैंने अपना आईडी लिंक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यार, यहाँ से मेरा जो नंबर दो वाला डिवाइस है राइट साइड स्क्रीन पे, वो मेरा Realme का डिवाइस है, ठीक है। मैं Realme का डिवाइस से रिमूव करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो डिवाइस वन में जो वहाँ पे Realme दिखा रहा है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो कट वाला सिंबल दिखा रहा है ना, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे येस मांग रहा है और नो मांग रहा है, तो आपको येस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपका आईडी दूसरे डिवाइस से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अब Realme से मेरा रिमूव हो चुका है। अब आपको क्या करना है, दूसरे डिवाइस में जिस डिवाइस में आपने अकाउंट अपना लिंक करके रखा था, उस डिवाइस के स्कोर मैच को रिस्टार्ट करना है, ठीक है। मतलब आपको स्कोर मैच दोबारा से ओपन करना है। यहाँ पे मैं स्कोर मैच को हटा के दोबारा से ओपन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज दिखा रहा है, अटेंशन का दिखा रहा है कि मेरा जो गेम कोड था वो मिसिंग हो चुका है, न्यू आईडी। अभी यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो ये न्यू आईडी ओपन होगा। चलो मैं क्लिक करता हूँ, और देख लो यार, मेरा यहाँ से दूसरे डिवाइस से जो मेरा अकाउंट था वो रिमूव हो चुका है परमानेंटली, और अभी एक न्यू गेम खुल के आ रहा है ना। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक वीडियो सबको समझ आया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो थैंक्स यार गाइस, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।